अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर्थ। अपने लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 3 मार्केट्स इन बिग सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। आज हम इसी लेसन की एक्सरसाइज करेंगे। प्लीज़ अपनी बुक्स का पेज नंबर 18 ओपन करेंगे। सबसे पहले है MCQs। मार्क द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। अ मार्केट इज़ अ प्लेस, बाजार एक जगह है, वेयर जहाँ से वी कैन बाय एंड सेल, हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। आपने राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फूड, क्लॉथ, प्रोडक्ट्स, डेट्स। तो ये सारी चीज़ें हम मार्केट से खरीद सकते हैं। राइट आंसर इज प्रोडक्ट्स। विच प्रोडक्ट इज सप्लाइड ऑल ओवर पाकिस्तान फ्रॉम पेशावर। कौन सी चीज़ है जो पेशावर से पूरे पाकिस्तान में भेजी जाती है। आपने लेसन में पढ़ा था पेशावर का कहवा बहुत मशहूर है और ये पूरे पाकिस्तान में भेजा जाता है। तो राइट ऑप्शन है कहवा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच मार्केट सप्लाइज 90% ऑफ फिश इन पाकिस्तान। कराची पोर्ट है जो पाकिस्तान में 90% मछली सप्लाई करती है। विच बाज़ार इज़ द चीपेस्ट वन इन लाहौर। लाहौर की सस्ती तरीन बाज़ार कौन सी है। इछरा बाज़ार है। द मोस्ट फेमस मार्केट ऑफ पेशावर। पेशावर की सबसे मशहूर बाज़ार कौन सी है। नमक मंडी है। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन आंसर्स। ये हैं पेज नंबर 17 पे। क्वेश्चंस के आंसर मेरे पास यहाँ रिटर्न फॉर्म में हैं, आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू पीपल गो टू मार्केट। लोग बाज़ार क्यों जाते हैं। पीपल गो टू मार्केट्स, लोग बाज़ार जाते हैं टू बाई और सेल प्रोडक्ट्स, चीज़ों को ख़रीदने और बेचने के लिए। विच मार्केट इज़ फेमस फॉर फूड्स। कौन सी बाज़ार मशहूर है लाइक टिक्का एंड कढ़ाई, टिक्का और कढ़ाई जैसी गज़ाओं के लिए इन पाकिस्तान पाकिस्तान में। राइट आंसर है नमक मंडी एंड खैबर बाज़ार आर फेमस फॉर फूड लाइक टिक्का एंड कढ़ाई इन पेशावर। पेशावर में नमक मंडी और खैबर बाज़ार जो है वो टिक्का और कढ़ाई जैसी गज़ाओं के लिए मशहूर है। विच मार्केट्स आर कंसीडर्ड एज अ हब ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। कौन सी बाज़ारें ऐसी हैं जिन्हें दस्तकारियों का मरकज़ समझा जाता है। मार्केट्स इन बलूचिस्तान आर कंसीडर्ड एज अ हब ऑफ हैंडीक्राफ्ट। बलूचिस्तान की जो बाज़ारें हैं उन्हें दस्तकारियों का मरकज़ समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच सिटी इज़ नोन एज द फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान। क्वेटा। क्वेटा वो शहर है जिसे हम पाकिस्तान की फ्रूट बास्केट कहते हैं। क्वेटा इज़ नोन एज द फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है, राइट डाउन फ्यू सेंटेंसेस अबाउट उर्दू बाज़ार इन लाहौर। उर्दू बाज़ार के बारे में जो लाहौर में है उसके बारे में कुछ जुमले लिखने हैं। लिखेंगे, उर्दू बाज़ार इज़ द बिगेस्ट मार्केट ऑफ बुक्स इन लाहौर। उर्दू बाज़ार जो है वो लाहौर में किताबों की सबसे बड़ी बाज़ार है। देयर यहाँ से वी कैन फाइंड, हमें मिलती हैं बुक्स फॉर स्कूल एंड कॉलेजेस, स्कूलों और कॉलेजों के लिए किताबें। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट डाउन द मार्केट्स ऑफ कराची। कराची की बाज़ारों के नाम लिखें। सराफा बाज़ार है, खजूर बाज़ार है और एम्प्रेस मार्केट आर द फेमस मार्केट्स ऑफ कराची। नेक्स्ट बचे हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पढ़ा था। आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंसेस बनाना सिखाए थे। सबसे पहले पहचान देखें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कौन से टेंस को कहते हैं। ऐसा जुमला जिसके आखिर में ता है, ती है, ताहूँ या ती है वगैरह आता है तो हम कहते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है। इसको बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आता है किसी भी टेंस में सब्जेक्ट, फिर वर्ब आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है। सिंपल हम क्या कहते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम हो तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं, जबकि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करते। कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, अली गीत गाता है, अली द सिंगुलर नाउन, अली सिंग्स अ सॉन्ग, हमने वर्ब के साथ देखें एस का इजाफा किया था। हम किताब पढ़ते हैं, वी ये प्लूरल है, वी रीड बुक।
बाद आज हमने जो सीखना है न्यू वो है नेगेटिव बनाना। जब भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डू नॉट या फिर डज नॉट। डू नॉट यूज़ करते हैं हम आई वी यू और दे के साथ, या प्लूरल नाउन्स के साथ हम डू नॉट यूज़ करते हैं। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन्स के साथ हम यूज़ करते हैं डज नॉट। ये डू नॉट और डज नॉट बेसिकली क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब हैं और फॉर्म ऑफ वर्ब हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। तो देखें कैसे सेंटेंस बनाएंगे। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आई, हमने कहा आई के साथ हमने क्या यूज़ करना है, डू नॉट। आई डू नॉट टेल अ लाई। अगर यहाँ पर होता वो झूठ नहीं बोलता है तो हम लिखते ही डज नॉट टेल अ लाई। यानी सिंगुलर नाउन्स के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है डज नॉट। आई भी सिंगुलर नाउन है लेकिन हम इसके साथ डू नॉट यूज़ करते हैं। यू के साथ भी डू नॉट यूज़ करते हैं। धोबी कपड़े नहीं धोता है। वॉशरमैन सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डज नॉट। वॉशरमैन डज नॉट वॉश क्लॉथ्स। इंटेरोगेटिव है, सवालिया फिकरा। क्या तुम गीत गाते हो, तुम। यू के साथ हम डू यूज़ करते हैं। तो जब हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो डू को हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं। डू यू सिंग अ सॉन्ग। क्या वो खत लिखता है, ही, वो के लिए यूज़ किया तो क्योंकि ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा डज। डज ही राइट अ लेटर। आई होप कि आपको समझ आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको टेस्ट से साइन करूँगी बच्चे, जो आप घर में बैठकर करेंगे। उस टेस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, यूनिट नंबर 1 होगा कंप्लीट विद एक्सरसाइज, उसके साथ यूज़ ऑफ इस एम आर होगा। सेंटेंसेस दूंगी मैं आपको जिन्हें आपने ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में, और साथ में आप एप्लीकेशन फॉर सिक लीव करेंगे और अर्जेंट पीस ऑफ वर्क करेंगे। इन दोनों में से कोई सी एक एप्लीकेशन मैं आपको असाइन करूँगी जो आपने राइट करनी होगी। अपना टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।